भाई साहब ये चेक करेगा भाई, पीछे का हाल देखो एक बार, तुम घूम जाओ ये देखो भाई। अबे तो कैसा लग रहा है तो? पैडल यहाँ पे खुल लिया, खुद से फिट करेगा ये नया नया पैडल, क्या बात है। ये अगर हाइड्रोलिक ब्रेक आपके साइकिल में होना तो ये चीज का फैसिलिटी आपको मिल सकता है, बिल वाला विदाउट बिल वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो घर पे बैठ के इंतजार कर रहे थे यार कब बारिश खत्म हो कि हम लोग राइड करें, लेकिन बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो गाइस हम लोग निकल गए राइड करने के लिए, घड़ी तो नहीं पहना हो लेकिन टाइम की बात करें तो 6:30 बज रहा है अभी, और इस वक्त हम लोग निकले राइड करने के लिए। बारिश काफ़ी होया हुआ है और चला रहे अपनी फैट बाइक, तो भाई बहुत ज़्यादा छींटे मार रही है, सबका स्वीट रंगा गया एकदम पुचाड़ा हो गया है। कैसा पुचाड़ा हो रहा है देखे थोड़ा, ये चेक करो गाइस, देख लो भाई, भाई का चैन उतर गया बारिश में, लगा देगा भाई हो जाएगा ना, चलो बढ़िया है। तो फाइनली गाइस आ चुके अपने गोप्रो सेटअप पे, बारिश तो हल्की हल्की हो ही रही है, अपने बंदे लो भाई मजाक करते करते चल रहे साथ में, मैं थोड़ा आगे आगे चल रहा हूँ। हम लोग को जाना है आसनसोल, आसनसोल में राइड होने वाला है, और आज थोड़ा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि भाई गोप्रो उतना रात में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, उसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई आपके लिए ब्लॉग कर रहा हूँ कि अपना ब्लॉग किसी दिन मिस ना हो, इसलिए बारिश में भीग भीग के भी राइड कर रहे हैं, कोई भी रेनकोट वगैरह नहीं लिया हूँ, देख लो यार पूरा भीग रहा हूँ मस्त। ये चेक करो गाइस ऑफ रोडिंग, आज फैट बाइक से जी भर के ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, जब से फैट बाइक लिया ना ऑफ रोडिंग नहीं किया है। बच गए पूरा तो भीग गया। तो गाइस साइकिल अपना पूरा डूब गया यार, पूरा जूता भीग गया यार, मैं सोचा नहीं था कि अपना साइकिल डूब जाएगा, उतना ज़्यादा गड्ढा था मैं नहीं सोचा था। अब राइट साइड वाला जूता पूरा भीग चुका है, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा पैंट भी भीग गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, अपने को चाहिए मज़ा। वाह वाह मेरा लाल, ये चेक करो गाइस आज अपने ब्लॉग की पहली वीली। ये अगर हाइड्रोलिक ब्रेक आपके साइकिल में हो ना तो ये चीज़ का फैसिलिटी आपको मिल सकता है, अब आराम से पानी में वीली मार सकते हो। क्या ब्रेक नहीं, क्या पापा का परी बन गया तुम, सब कुछ करना कि अचानक ब्रेक मत मारना सामने। कल बकरीद है तो यहाँ पे बहुत सारा बकरा सेल होता है आज की रात में, तो दिखाते हैं आपको बहुत सारा बकरा है यहाँ पे। ये चेक करो गाइस कितना बड़ा मस्त भाई, लड़ाई भी कर रहा है, क्या मस्त लग रहा है भाई, वाइट वाइट कलर का पत्ता खा रहा है यहाँ पे। तो गाइस आ चुके हैं आसनसोल मार्केट में, और यहाँ पे मेरे को थोड़ा गोप्रो 11 का प्राइस वगैरह पूछना है, यहाँ पे मिलता है गोप्रो आसनसोल में। बोरे गोप्रो 11 का क्या प्राइस चल रहा है, बिल वाला विदाउट बिल वाला बिल। तो गाइस अभी गए थे हम लोग गोप्रो देखने के लिए, गोप्रो हीरो 11, और सोचे थे यार अपना ड्रीम कैमरा है गोप्रो हीरो 11, लूँगा तो वही लूँगा, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा है यार, मतलब 40,500 प्राइस है उसका, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो बस देखे हैं, जब देखे हैं तो लेंगे, भी सोच रहे हैं कुछ अपना कैमरा अपग्रेड करने का ताकि अपना गोप्रो का क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो। जैसे नाइट में ब्लॉग कर रहा हूँ तो अभी मेरा ये गोप्रो हीरो 7 है, तो ये कुछ ऐसी क्वालिटी दे रहा है, थोड़ा सा इससे इंप्रूव होगा, हमको पता है ज़्यादा ये फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क तो होगा भाई, थोड़ा सा अच्छा तो होगा। मैं चाहता हूँ अपने जितने भी ऑडियंस है सबको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दूँ, और इस वजह से मैं लूँगा वो कैमरा, थोड़ा सा महंगा है कॉस्टली है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रैक एंड ट्रायल, पूरा भीग भीग के, पूरा बाल बाल तो हल्का हल्का भीग गया है, भाई लोग को ज़्यादा भीगा है, और एक बार पीछे घूम जा ये चेक करेगा, पीछे का हाल देखो एक बार, तुम घूम जा ये देखो भाई ऐसा कुछ हाल करके रखा है बंदे लोग, मतलब मस्त, मतलब राइड हो रहा है मज़ेदार हो रहा है, मतलब खतरनाक वाला। पैड भाई कैसे चलाता है ये, इस पैडल का हाल में चला रहा है, और रेंच वगैरह ले करके आया भाई, देखो पैडल यहाँ पे खुल लिया, खुद से फिट करेगा भैया, नया नया पैडल क्या बात है, अब तो मजा आएगा है ना। ये पैडल अच्छी क्वालिटी का है भाई, ये पैडल भी खोल लेना भाई, कैसा लग रहा है, कैसे तो फैट बाइक चला रहा है दोस्त। ये चेक करो गाइस फ्यूज भी आ चुका है यहाँ पे, अभी हम लोग पैडल लगा ही रहे होते हैं, ये बंदा भी आ गया स्पीड में आने का नतीजा इसका भी पूरा गंदा हो गया, एक साइकिल है सारा बंदा परेशान है हवा मारने, मार 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 हवा मुंह से डाल रहा हूँ।
अभी 11 देख के आए हैं, 11 देख आप देख के आए हाँ देख के आए तो उसका 40,500 सस्ता। सेकंड हैंड में 30,000 मिल जाएगा बिना बिल वाला, लेकिन ये बिल वाला देगा 2 साल वारंटी रहेगा ना। बिल वाला लीजिए 10,000 ज़्यादा पड़ेगा। हाँ 2 साल का रहेगा, 2 साल में ख़राब भी होगा तो नया माल मिलेगा। और पूरा पानी में चलाइएगा ये चेक करो गाइस, इतना स्पीड में भाई विली मारे। भाई मज़ा आ गया, लेकिन बारिश में जो विली मारने मज़ा आ रहा ना वो नेक्स्ट लेवल है। आज पहली बार है इतना रात को ब्लॉग कर रहे हैं भाई, अलग ही मज़ा आया इसका। देखते हैं भाई कुछ खा भी लेते हैं, भाई लोग को कुछ खिला भी देते हैं, भूख तो बहुत जोड़ के लगा है। तो गाइस चेक करो इतने अच्छे मौसम में भीगी भीगी सड़कों पे यहाँ चल रहे हम लोग का पास्ता गरम गरम। हाँ देखो देखो रहा नहीं जा रहा है। अबे तो कैसा लग रहा है मफलर बांधा हुआ ऐसा लग रहा, ठंडा का सीजन आ गया है। यूज पानी पे आप पार किया जाए विली मार के। रुक 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 गाड़ी 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 ये चेक करो गाइस। अरे भाई एक नंबर एक नंबर। सेंट्रल मॉल में तो ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा पानी यहीं पड़ा है। चला के देख लीजिए, मस्त मस्त पूरा मस्त। कहाँ से आते आप, है मजा? ब्रेक मार के देखिए, ब्रेक पूरा हैवी है। ये देखो भाई मौसम का मजा तो बच्चे लोग ले रहे हैं यहाँ पे। जंप। चलो टाटा बाय। ये चेक करो गाइस, ये साइकिल छोड़ दी बंदा। एक नंबर एक नंबर। इधर रात में जब मजा आ रहा नहीं लोगों मत। चल विली हो जाए। एक दो चार तीन। सबका सौकर खराब हो गया, सबका सौकर आवाज कर रहा है। देख पिकअप में जा रहा हूँ। गार्ड अगर देखा ना तो बोले को उधर से जाए तो पार होने नहीं देंगे। हट बम्पर पार करेंगे। अरे फैट बाइक में पहली बार बम्पर पार कर दिए, पूरा पिकअप पकड़ लिया भाई। देखो क्या भाग रही है अपनी फैट बाइक। अबे ग्रीन हो गया। ये चेक करो गाइस, चार्ज हो गया। यहाँ पे देख भीड़ लगा का बकरा ही थे ना, बकरा बिक रहा है यहाँ पे आज आज पूरा है। देख रहा है देख रहा है पूरा रोड पे आ गया सब, पूरा डीलिंग हो रहा है यहाँ पे। क्या खूबसूरत लग रहा पीछे से। हाँ कहाँ तक? दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर चलो फिर। हाँ ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है तो कैसे लगेगा 299 फिर? अरे लगेगा ना लगेगा। ये चेक करो गाइस, क्या लंबी वीली हो रही भाई। हेलो पहुंच गया, घर पहुंचते ही होगा। अभी तक आया? हाँ बस पास 5 मिनट पहुंच जाएगा। ठीक। तो फाइनली गाइज अभी जाके पहुंचे हैं घर। भाई सब पूरा पाँव का हालत एकदम खराब हो गया होगा, मेरे को मालूम है कि ये मोजे कब का भीगा होता। देखो पाँव का हालत क्या हो गया है, अजीब सा हो गया है। फाइनली पहुंचे घर, आते आते काफी रात हो गया है। नाइट में कभी व्लॉग वगैरह नहीं करते, आज दिन भर बारिश हो गया, इंतजार में रहे कि कब बारिश छूटेगा तो कब हम लोग राइड करने के लिए जाएंगे। बारिश नहीं छूटा,
लास्ट में सोचे कि नहीं भाई भीग के ही राइड करेंगे, लेकिन करेंगे, अपना ब्लॉग मिस नहीं होना चाहिए। तो गाइज वैसे कल है बकरीद, तो हमारे सभी भाई लोग को, हमारे सारे सब्सक्राइबर को ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।